सुभाना ताला हर बंदे को रिजक देने पे कादिर है, आपकी मेरी फिक्र है। यरजुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह बगैर हिसाब रिजक देते हैं। अब रिजक कितने किस्म का है इसी वाक्य में आपको समझ आ जाएगी। एक रिजक है जो बदन को मिलता है, एक रिजक है जो रूह को मिलता है, और दिल हर अजू कितनी आंतरियां हैं, कितनी चीजें हैं, हर एक ले जाता है। अब आप और मैं सिर्फ इस रिजक की फिक्र करते हैं कि रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, फल मिल जाए, सिर्फ इसकी फिक्र में होते हैं। मेरी अजीजा, अगर ढेर लगे रह जाए रिजक के, आप और मुझको ऐसी बीमारी लग जाए हम खा ना सकें तो क्या करेंगे। हर चीज की फिक्र होनी चाहिए। अच्छे लम्हात को शुक्र में लाओ कि हम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। अब आप और मैं एक लुकमा खा जाए, मुंह में अंदर ले जाए, अब आप मुझे उल्टा भी करो वो लुकमा बाहर नहीं आएगा। ये मेरे रब का निजाम है, ये आपके मेरे रब का निजाम है कि मेरी अजीजो अल्लाह रिज़क बंदे को सिर्फ देता ही नहीं, अल्लाह बंदे की एक आंख में मुंह में डालवाता है। अगर वो ना उसका हुक्म ना हो तो आपका गला खराब हो जाए, कुछ हो जाए, खा नहीं सको। वो अल्लाह से उस तरीके से मांगो जो कुरान और सुन्नत हमें सिखा रही है। तो मेरी अजीजा, अब वो आपके मेरे मुंह में जाके, मेदे में जाके, हर एक गांठ में ब्लड जिसमें जाना है जिस जगह वहां जाएगा, जो पानी खारिज होना है वो उस मकाम पे जाएगा, जो बदन को देना है वो उस मकाम पे जाएगा। किस किस बात का शुक्र हम नहीं अदा कर रहे। तंदुरुस्ती में बीमार होते हैं तो कहते हैं मैं बीमार हो गया। कोई कभी सोचा है कि जितनी सेहत में हम खा पी रहे हैं, अल्लाह की नेमतें जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम उसके शुक्र अदा किया रब का कभी? हम इतनी जल्दी नाशुक्री में आ जाते हैं। मेरी बेटी और ये जिंदगी आपकी मेरे पास मोहलत है। अल्लाह हमें अल्लाह हरामी का जिसके हलाल का लुकमा हमारे अंदर चाहे नमाज के बाद जो भी 3 दफ़ा 7 दफ़ा 11 दफ़ा पढ़ ले, मेरा रब उसकी हिफाजत करेगा, उसको लुकमा हलाल मिलेगा, हराम से रब बचाएगा। मेहनत है थोड़ी थोड़ी, बच्चियों को भेजो जामिया में, बैठे हैं लाइव में, हम घर पढ़ा रहे हैं, आप हमारे नंबर लो, कोई खर्चा कोई पैसा नहीं ले रहे, आप सिर्फ पैकेज करवाओ, टीचरों को तनख्वाह दे रहे हैं, आपके लिए मुकर्रर हो जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। साल लगा लो, 2 साल लगा लो, 2 साल के कोर्स है, 1 साल के कोर्स है, 6 माह का कोर्स है, लेकिन हिम्मत तो करो ना। मेरी बेटियों, अल्लाह ने पैगाम भेज दिया है, अब रोज रोज अल्लाह धचके नहीं लगाएगा। आपके मेरे पास नबी भी 63 साल की उम्र गुजार कर और पुराने पास भी घर घर मत हो। इसको समझने के लिए दुनिया के लिए बड़ी तवज्जो करते हैं, कभी दिन के 24 घंटों में आधा घंटा ही दे लो कि मदरसे वालों से अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह उस सड़क पे चढ़ा जो सानी के साथ तेरे से जा मना दी। ये फिरका बंदियां तो आपकी मेरी बनाई हुई है, सिर्फ कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जहाँ से आपको मिलते हैं, कोई लालच नहीं, कोई गरज नहीं। तो मेरी बेटियों, आंखें बंद करके थाम लो पल्लू, अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए।